जंग का 17वां दिन है, ऐसा शुरुआत में लगा था कि हफ्ते के अंदर ही शायद इस जंग को अंजाम की तरफ पहुंचता लोग देख लें, लेकिन 17 दिन हो गए हैं। कीव की घेराबंदी जो चल रही है उसमें हॉस्टमेल की तरफ नजर डाल लीजिए आप, इरपिन देख लीजिए किस तरीके से नॉर्थ वेस्ट की तरफ से वहां पर हमला चल रहा है, बोरोवरी में हमला चल रहा है। इरपिन तो ऐसा लगता है मानो खंडहर में तब्दील हो गया, अधिकतर लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, सारे घटनाक्रम के बीच युद्ध का 17वां दिन कैसा रहा है आपको दिखाते हैं। अब जंग आर पार की है, अब जंग की ऊपर कब्जे की है। रूस का प्रहार प्रचंड हो चुका है, की ऊपर हमले तेज हो चुके हैं। यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है और रूस रुकने को तैयार नहीं है। रूस की फौज ने युद्ध की शुरुआत के बाद से ही यूक्रेन के अलग अलग शहरों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई शहर अब रूसी कब्जे में हैं, लेकिन कीव रूस के लिए अब तक अभेद किला बना हुआ है। रूस पूरी प्लानिंग के साथ यूक्रेन को घेर रहा है, जहां लड़ाई 17वें दिन तक पहुंच गई है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को तीन तरफ से घेर लिया है। उत्तर में इरपिन को रूस ने करीब करीब तबाह कर दिया है। पश्चिम में बुका शहर भी रूसी हमले की जद में है, तो पूर्व में डोबरी पर रूसी लड़ाकों ने तबाही मचा दी है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब तबाह हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए आप, और मैं आपको यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स दिखा दूं। ये देखिए, ये सड़क पे खींचने के लिए बहुत क्रूड इंस्ट्रूमेंट हैं, पर ये ट्रक्स या ऐसी गाड़ियों के लिए हैं, ताकि इनके ऊपर से अगर जो टायर्ड गाड़ी है जिनके ऊपर रबर के टायर होते हैं, अगर वो जाएंगे तो वो उसके ऊपर से नहीं निकल पाएंगे, पंक्चर हो जाएंगे। तीन ओर से घिर चुके कीव को बचाने में यूक्रेन के जवानों ने भी जान लड़ा दी है। कीव की तरफ से आने वाले हर रास्ते पर यूक्रेन की फौज ने रूसी राह में बारूदी रोड़े बिछा दिए हैं। उसी का परिणाम दो दिन पहले ब्रोवरी में दिखा था, जब रूस के पांच टैंकों को यूक्रेन ने उड़ा दिया था। शोलों में दहले लगे थे पांचों रूसी टैंक। अब उसी ब्रोवरी में रूसी फौज की गोलाबारी में फ्रोजन फूड स्टोरेज वेयर हाउस तबाह हो गया। गीता मोहन और मैं इस इलाके में हैं, हमसे कहा गया है जल्दी यहाँ से निकले। गीता, पूरी तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। बिल्कुल, यहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा अब इसका है कि रशियन फोर्सेस बस एक किलोमीटर पीछे है। हम जाना चाह रहे थे आगे, लेकिन फोर्सेस ने कहा, जो यूक्रेनियन फोर्सेस तैनात है उन्होंने कहा आगे नहीं जा सकते हैं, अब यहाँ से जल्द जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाए। ये बोरोवरी का इलाका है, ये लास्ट वो जहां पर इस समय लड़ाई चल रही है और ये ताजा शेलिंग हुई है, इस वजह से आप इस समय थोड़ी सी खामोशी देख रहे हैं। रूसी जवान डटे हैं, यूक्रेन के लिए अपने दुश्मन से निपटना आसान नहीं। जोरदार हमले से क्यों के बाहरी इलाकों में जो तबाही हो रही है उसकी ताजा तस्वीरें देखिए। युद्ध के 17वें दिन पुतिन की फौज क्यू के और करीब पहुंच गई है। ब्रोवरी तक पकड़ मजबूत करने के बाद रूस ने क्यू पर लगातार गोले दागे हैं, ताबड़तोड़ धमाके हो रहे हैं, राजधानी में अफरा तफरी मची है। ये जो गाड़ियों का काफिला मेरे पीछे दिख रहा है, ये ब्रोवरी शहर से कीव की तरफ आ रहा है। ये वो लोग हैं जो ब्रोवरी और आसपास के गांव को छोड़कर कीव शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रोवरी वो इलाका है जहाँ इस वक्त यूक्रेनियन और रूसी फौजों के बीच में भीषण जंग जारी है। रूस के हमलों में कीव के रिहायशी इलाके भी निशाना बन रहे हैं, वहीं सरकारी इमारतों को भी काफी नुकसान हो रहा है। राजधानी कीव को वो खाली करा दे, सिविलियंस यहाँ पर ना हो, नॉन कॉम्बैटेंट्स यहाँ ना हो, और उसके बाद बड़े तरीके से बमबारी के जरिए, जिस तरह खार्कीव में आपने बमबारी देखी, जिस तरह आपने सूमी में देखा या मारियोपोल में देखा, जिस तरह से शहर के शहर तबाह करने की कोशिश की गई, उम्मीद यही थी कि राजधानी कीव में ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ये शहर के अंदर, और जैसा आप इन इमारतों में देख सकते हैं, रिहायशी इलाके में अगर इस तरह से बम फट रहा है, बम आके गिर रहा है, और यहाँ की
जो बम निरोधक दस्ते के एक अधिकारी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। तो जब मैंने उनसे पूछा कि लेकिन इस बिल्डिंग को क्यों, यहाँ पर ऐसा क्या मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उन्होंने कहा यहाँ कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं है, ये केवल डराने की दृष्टि से किया गया है ताकि लोग डर जाएं। रूस का प्लान 4 दिन में क्यू पर कब्जे का था, लेकिन यूक्रेन ने युद्ध में वापसी की और 17 दिन बाद भी वो जंग के मैदान में डटा हुआ है। जिस दिन यूक्रेन पर आक्रमण की तिथि निर्धारित की गई थी उस दिन पुतिन ने अपने देश से अपनी सेना को रवाना कर दिया था। बेलारूस से भी सेनाएं आई थी और ये कहा गया था कि कब्जा कर लेना है कीव पर। 4 दिन का समय उस समय निर्धारित था, इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई थी। लेकिन देखिए 4 दिन हो गए हैं, कब्जा नहीं हुआ है, अभी घेराबंदी भी पूरी नहीं हुई है। अब रूस ने कीव पर कब्जे के लिए पूरा जोर लगा दिया है, क्योंकि क्यू पर कब्जे का मतलब है यूक्रेन पर रूस का कब्जा, क्यू पर कब्जे का मतलब है फंस गए जेलेंस्की, क्यू पर कब्जे का मतलब है यूक्रेन फौज को हथियार डालने पर मजबूर होना, क्यू पर कब्जे का मतलब है रूस का पूरी तरह हावी हो जाना। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, हारेंगे नहीं, रूस को हराएंगे। и для Польши такий злий час не настав. Ми боремось разом, ми маємо силу. Пам'ятайте, разом нас 90 мільйонів. Ми разом можемо все. І це історична місія Польщі, історична місія України бути лідерами, які разом витягнуть Європу з цієї прірви. Врятують від цієї загрози, зупинять перетворення Європи на жертву. यूक्रेन के इरपिन, होस्टोमेल, खार्किव समेत कई इलाकों में रूस ने वर्चस्व कायम किया है, लेकिन कीव की सड़कों पर रूसी फौज को रोकने के लिए लोहे के बैरिकेड तैयार हैं। वहीं यूक्रेन के आम नागरिकों को भी रूस की सेना के सामने ढाल बनाकर खड़े हैं, जिसने कीव को रूस की जद से अब तक दूर रखा है। श्वेता सिंह, गीता मोहन और राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन, आज तक।